इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिया गया बेल का आइकन दबाइए। कोई यह नहीं चाहता कि उसके सर पर बाल ना हो और वो गंजा हो। खास करके बढ़ती उम्र के साथ बाल झड़ने लगते हैं, तब हमें बालों से प्यार होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल ही सही कहा और आप भी यह मानते ही हो। अगर मानते हो तो फौरन कमेंट में हमारे लिए सिर्फ हाँ लिख दीजिए। दोस्तों, आपको इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिसे आप एक आध दिन में ही शुरू कर दोगे। यकीन मानिए, इस उपाय से आपके बाल 6 महीने में खूब बढ़ेंगे, ग्रोथ होगा और बाल गाढ़े भी होंगे। किसी के बाल स्कल्प से गिरने लगे हों, ऐसी स्थिति में भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। आपने कभी यह नोटिस किया है कि गांव में रहने वाले लोगों के बाल आज भी शहर के लोगों की अपेक्षा में कम झड़ते हैं और देरी से सफेद होते हैं? इसकी वजह यह है कि गांव के लोग शहरों के लोगों की तुलना में अपने बालों पर केमिकल्स युक्त प्रोडक्ट का उपयोग कम करते हैं। गांव में देसी और सदियों पुराने नुस्खों का पालन किया जाता है। अरंडी के तेल का उपयोग ऐसा ही एक नुस्खा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि शुद्ध अरंडी के तेल की थिकनेस और चिपचिपाहट के कारण आप सीधे तौर पर इसका उपयोग बालों पर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस तेल को उपयोग योग्य बनाने और इसके गुणों में वृद्धि करने के लिए आप इसके अंदर नारियल तेल डाल सकते हो। आपकी जेब को अगर परवड़ता है तो अरंडी के तेल के अंदर नारियल तेल, सरसों तेल और ऑलिव का ऑयल भी मिला सकते हो। ऐसा मिश्रण झड़ते बालों को रोकने का बहुत ही प्रभावशाली इलाज है। आयुर्वेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति के सिर पर डैंड्रफ की समस्या शरीर में वात दोष यानी कि वायु के कारण बढ़ने लगती है। अरंडी का तेल सर की त्वचा के रोम के छिद्रों के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और वायु विकार को कम करके सिर के अंदर से डैंड्रफ की समस्या को दूर करता है। डैंड्रफ दूर हो जाए तो बालों का झड़ना अपने आप बंद हो जाता है, इसी के साथ ग्रोथ भी बढ़ता है। अरंडी का तेल आपके सर की त्वचा का रूखापन दूर करके उसके अंदर प्राकृतिक चिकनाई को बढ़ाता है, जिससे सर की त्वचा से पपड़िया उतरना यानी कि डैंड्रफ बनना बंद हो जाता है। हालांकि किसी व्यक्ति को डैंड्रफ नहीं है तो बालों को लंबा करने के लिए आपको जो प्रयोग बता रहा हूँ उसका उपयोग अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, हमने पहले बताया कि अरंडी के साथ आप आधा नारियल तेल मिलाकर भी लगा सकते हैं, और अगर आपको 4 तेल मिक्स करने हैं तो अरंडी के साथ आप नारियल तेल, ऑलिव ऑयल, सरसों ऑयल मिलाकर बालों में अच्छी तरह से स्कल्प के साथ लगा लें। बाद में कॉटन के तौलिए को गर्म पानी में भिगोएं और निचोड़कर बालों में लपेट लें। ऐसा करने से आपके सर की त्वचा सॉफ्ट हो जाएगी और रोम के छिद्र खुल जाएंगे। इससे यह तेल आपके बालों के स्कल्प के अंदर तक प्रवेश कर पाएगा और बालों की जड़ों को मजबूत बनाकर उनका झड़ना कम कर देगा। बालों को एक आध घंटे यूं ही रखने के बाद आप हल्के गर्म पानी से इसे धो लें। अगर आप शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहते हो तो सल्फेट फ्री शैम्पू मिले तो उसका उपयोग आप जरूर से करें, इससे आपके बालों को जरूर से फायदा होगा। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। आप सबका दिन शुभ रहे।